अक्सर लोग बैत करते हैं तो बैत क्यों करते हैं भाई बैत हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी असलाह करें असलाह से मुराद के हम अपने आप को सही करें अपने आप को अंदर कोई गुनाह है कोई बुराई है तो इस चीज़ को हम साफ़ करें तो चे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो टीचर और उस्ताद का क्या काम है के बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि बेटा इसको इस तरीके से पढ़ना है इसको इस तरीके से करना है और कभी कभी पिटाई भी पड़ती है पड़ती नहीं पड़ती? तो वो जो पिटाई होती है हम सोचते हैं कि यार ये बड़ा ज़ालिम टीचर है या जालिम उस्ताद है इतना मार अल्लाह से बेरा गरख करे लेकिन वो हालांकि हमारे भलाई के लिए होती है उस मार की वजह से जो है बाद दफ़ा हमें बहुत सारी चीज़ें जो आराम से याद नहीं करते कुछ लोग आराम से याद करते कुछ लोग मार से याद करते हैं तो वो उस चीज़ को याद करते हैं और भूलते नहीं हैं बोला भाई ये बात लोग बोलते हैं यार ये सब्जेक्ट बोले यार पच्चीस साल पचास साल हो गया अभी तक नहीं भूला बोले क्यों बोले इस पर बड़ी मार पड़ी थी भाई अभी तक मुझे याद है तो वो मार जो है डांट जो है हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है और वो चीज़ हमारी असलाह करती है तो अगर अगर पीर आपको डांटे किसी चीज़ के बारे में बताए कि ये चीज़ आप कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है ये आपको डांटे ये किसी हवाले से या बयान में ये किसी तरीके से तो आपने इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है इसीलिए कि वो आपको असलाह कर रहा है और उस डाट में रहमत है अच्छा हमारे पीर तो बड़े जलाली होते थे इतने डांटते थे तो शायद आजकल के मुरीद बर्दाश्त भी ना कर सकें हैं जी तो एक पीर ने अपने मुरीद को कहा कि बेटा अब लगता है तुमको डांट पड़ने वाली है तुम्हारे कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब लगता है कि तुमको डांट पड़ने वाली है डांट पड़ी नहीं है अब उस पीर का इतना ही कहना था कि मुरीद का चेहरा उतर गया और जो है परेशान और गुस्से में यार पीर साहब ने मुझे ऐसा क्यों बोला तो ये जो है इससे असलाह नहीं होती अगर पीर आपको डांटता है तो उसमें रहमत है या आपको कोई बात सुनाता है तो उसमें आपके लिए रहमत है तो इससे आपकी इलाह होगी ठीक है ना आजकल तो पीर साहब को लोग कहानियाँ सुना, तो सुना रहे होते हैं बेचारे पीर साहब सुन रहे होते हैं समझ रहे होते हैं कि हाँ भाई तुम ये स्टोरी सुना रहे हो मुझे पता तुम क्या बता रहे हो हकीकत हमें पता है लेकिन बेचारा सुना रहे थे मुरीद समझ पीर साहब को एम आई कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है ना तो अल्लाह रबालमीन फिरासत भी नजर नूरल्ला तो अल्लाह रबालमीन इन लोगों को फिरासत देते हैं अल्लाह के नूर से वो देखते हैं तो जब इंसान अल्लाह के नूर से कोई चीज को देखे तो वो जो है सुन सकता है बेवकूफ नहीं होता समझ सब कुछ रहा होता है, कि क्या हो रहा है लेकिन उसको जाहिर नहीं करते तो मकसद ये हुआ कि अगर डांट पड़े तो उसमें रहमत है अगर हमारे हजरत हमको डांटते थे हम थोड़े तो खुश होते थे कि हज़रत ने डांटा है बड़े अल्लाह की रहमत आने वाली है है ना कपड़े को जब धोते हैं तो क्या करते हैं अभी तो वॉशिंग मशीन है पहले तो हाथ से मारते थे मार साढ़े चार साबुन लगाया मार रहे मार रहे कपड़ा बोलते तो खुदा को मानो जान छोड़ो मेरी लेकिन सही महल उसी में निकलती थी है कि नहीं तो मकसद ये कि हम समझ नहीं रहे हैं और समझ नहीं सक रहे हैं। ना समझना चाहते हैं। हमने बैत कर लिया तो बैत का मकसद नहीं समझ रहे हैं। तो अपना असला करो ठीक है वक्त जितना, जितना 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 जो है मुरीद अपने पीर को वक्त देगा उतनी उसका इसलाह होगा या अयोल नदीन आम अनु अल्लाह सऊदकीन तकवा करो और मुत्तकीन में बैठो आप अल्लाह वालों में बैठोगे तो अल्लाह आपके दिल की कैफियत को जरूर सही करेगा हाँ जी एक इंसान कहते बुरी सौबत में बैठेगा तो बुरा ही होगा किसी शराबी के साथ बैठेगा तो शराब का असर आएगा किसी मस्जिद मुफ्ती के साथ बैठेगा तो फतवा देता रहेगा इंशाल्लाह अच्छा शो तो ऐसे जैसे सोबत होगा ऐसा उसका असर होगा तो जब अल्लाह वालों के सोबत में बैठेंगे तो अल्लाह रबूल में दिल की कैफियत को दूर करेंगे परेशानी को दूर करेंगे अल्लाह दिल को ज़रूर बदलेंगे ठीक है